नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बड़ी खबर। देवनगरी ऋषिकेश, जहां लोग दूर दूर से आते हैं गंगा दर्शन, नीलकंठ महादेव के दर्शन करने एवं मेडिटेशन व योग सीखने। लेकिन आजकल धर्मनगरी में कुछ अलग और हैरतमयी डालने वाले काम हो रहे हैं। जी हाँ, वहाँ तंत्र योगा के नाम पर कर रहे हैं फोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। पुलिस प्रशासन ने अश्लील वीडियो बनाने वाली फ्रांसीसी महिला को गिरफ्तार किया। जी हाँ, ये खबर है उत्तराखंड के ऋषिकेश के मुनिकरेती थाना क्षेत्र के लक्ष्मण झूला पुल की, जहां एक 27 वर्षीय फ्रांसीसी महिला मैरी हेलेन के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट और इंडिया पिनल कोड की धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करने के अंतर्गत स्थानीय सभासद गजेंद्र सजवान द्वारा थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। सूत्रों से पता चला है कि फ्रांसीसी महिला लॉकडाउन से पहले ही भारत आ गई थी और तंत्र योगा का बहकावा देकर अश्लील फोटोग्राफी कर रही थी, जिसमें उसके साथ अपार तपोवन स्थित होटल का स्टाफ भी शामिल था। आपको बता दें, महिला को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील वीडियो बनाने और इंस्टाग्राम अकाउंट पर न्यूड फोटोग्राफ सार्वजनिक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सबसे शर्मनाक बात ये सामने आई है कि महिला ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने यह वीडियो बनाया जरूर है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि भारत में ये सब अवैध है। महिला ने यह भी बताया कि उसने दो लोकल प्रोफेशनल फोटोग्राफर शूट के लिए हायर किए थे। पुलिस प्रशासन भी इस मामले में ढील बरत रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके पीछे भी बड़ी घूस देने की चर्चाएं सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन में जब उत्तराखंड में सभी धार्मिक सामाजिक गतिविधियां बंद थी, तब भी ये गिरोह कैसे सरेआम अनैतिक कार्य कर देवनगरी को कलंकित करता रहा। जब इस विषय पर वहां के लोगों से बातचीत की गई, तो आइए सुनाते हैं उनका क्या कहना था। पर हमारे को यहाँ पे ये सोचने की जरूरत है कि ये जो बहुत गलत हुआ है कि ऋषिकेश में खुलेआम एक लड़की पूरे निर्वस्त्र होके यहाँ के वाटरफॉल्स में फोटो खिंचाती है, लक्ष्मण झूला में फोटो खिंचाती है, और यहाँ के लोकल लोग कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कोई एक आवाज नहीं आती है। बड़ा दुख भरी बात है ये, और उससे ज्यादा दुख भरी बात है, ठीक है, उस लड़की को तो हम अगर देखें तो वो बाहर से आई है, और बाहर से आके उसको शायद हमारे देश का कल्चर ना पता हो, पर उसको 2 हो गए हैं हमारे देश के अंदर। 2 हमारे देश के अंदर, यानी कि जो लोकल लोग थे, जो हमारे भारतीय लोग थे, उन लोगों ने उसको हमारे यहाँ के नियम नहीं बताए। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कुछ जानकारी मिली है, हमारे लक्ष्मण झूला क्षेत्र और राम झूला क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अश्लील वार्ताएं हो रही हैं, जिसमें विदेशी महिलाएं अपने आप को नग्न अवस्था में प्रस्तुत कर रही हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रवासी इस चीज़ का पूरे ढंग से विरोध करें। मैरी हेलेन एंड ग्रुप ने इतनी शर्मनाक चीज़ की है जो हमारे आने वाले भविष्य में बहुत इफेक्ट देगी, और आने कल्चर जनरेशन को जो बोलते हैं डायरेक्शन डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जो डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आगे भविष्य में ये चीज़ ना दोहराई जाए, क्योंकि हमारी अपकमिंग जनरेशन और कल्चर में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सूचना मिली है इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए, हमें ये पता चला कि कुछ विदेशी पर्यटकों द्वारा हमारी सभ्यता को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया। दोस्तों, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये घटनाएं बहुत ही हमारे हृदय को छिन्न करने वाली हरकतें हैं जो इनके द्वारा की जा रही है, और मेरा ये अनुरोध है हमारे शहरवासियों से भी कि यदि आप ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं, आपके सामने हो रही हैं, कृपया उस चीज़ का आप उसी समय विरोध करें। क्या पुलिस प्रशासन को इस बात की कोई खबर नहीं थी, या जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जाता रहा? सवाल ये भी उठता है कि पुलिस प्रशासन कब तक इतने संगीन मामलों को नजरअंदाज करती रहेगी? हम समाज के लोगों को सावधान करते हैं, उनके आसपास रहने वाले फोटो या वीडियोग्राफर क्या वास्तव में फोटोग्राफर ही है, या फिर चंद पैसों के लिए धर्म स्थली को कलंकित तो नहीं कर रहे? आसपास के लोगों का ये भी फर्ज है कि वो आसपास के लोगों पर जरूर नजर रखें और पवित्र देवनगरी की पवित्रता को बचाने में अपना योगदान दें। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, अपना नैतिक धर्म अपनाएं और अपने धर्म और धर्मनगरी को बचाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।